बाद में शहर में बसी विष्णु कॉलोनी के लोग और खेतीहार बरसों से नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं और इसकी वजह है शहर में नालों और सीवरेज के गंदे पानी के इनके घरों और खेतों पर बन चुका साम्राज्य। कई वर्षों से यहां के लोग स्थायी बन चुकी समस्या को लेकर अब धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। खेतीहारों व लोगों ने समाधान नहीं होने तक धरना जारी रखने के साथ उग्र आंदोलन की बात कही। वहीं नाला खोलने को लेकर खेतों में पहुंची नगर परिषद की टीम को भी इनके विरोध का सामना करना पड़ा। बाड़मेर शहर में बसी विष्णु कॉलोनी के लोग बरसों से नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर है और इसकी वजह है शहर के नालों और सीवरेज के गंदे पानी के इनके घरों पर बन चुके साम्राज्य। कई बरसों से यहां के लोग स्थायी बन चुकी इस समस्या को लेकर शहर की सरकार और जिला प्रशासन के सामने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं समस्या के समाधान के लिए शहर की सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का शुक्रवार को जबरदस्त विरोध हुआ। दरअसल बाड़मेर मैं शहर की सरकार द्वारा सीवरेज के लिए बने नाले के पानी को ट्रीटमेंट प्लांट की बजाय लोगों के खेतों में छोड़ दिया गया था। जब लोगों ने खेत पर पानी खराब होने से लोगों ने इस पानी को बड़ी बड़ी दीवारों के जरिए रोक लिया, खेतों में रोका गया पानी लोगों की बस्तियों में घुस आया और इसकी खबरों को सुर्खियां बनने के बाद नगर परिषद की टीमें खेतों की दीवारें तोड़ने पहुंच गई, जिसका खेतीहारों ने जबरदस्त विरोध किया। इनका कहना है कि उनके खेतों में पानी छोड़ देने से उनके खेत खराब हो जाएंगे, जो कि वह नहीं होने देंगे। लोगों के जबरदस्त विरोध के कारण नगर परिषद की टीम को बैरंग ही लौटना पड़ा। जो ये 10 साल से ये नाले की समस्या है, जो हमारे खाताधारी अधिकार है, यहाँ पे हमारा 85% का आम जाने से जाति जनजाति का यह निवास रहते है। ये जो बाड़मेर के आका के कहने पे ये नाला जो दीवार के बीच में से 2x2 का खड्डा करके ये जो गंदा पानी है हमारी बस्तियों के अंदर छोड़ दिया जाता है। नगर पालिका प्रशासन का कोई मास्टर प्लान नहीं है, उसी चीज को लेकर के हम सने सने यहाँ आते हैं, अपने माध्यम से ये खोलते हम बंद करते, ये समस्या निरंतर चलती रह रही है। इसका हम विरोध कर रहे हैं और आज हम धरने पे बैठे हैं। तब तक यहाँ पे हम बैठे रहेंगे जब तक इसको मास्टर प्लान नहीं दिया जा सकता और इस समस्या को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। पहले क्या कोई पता नाला बह रहा है, पानी ऐसे बह रहा है गंदा पानी, तो इन्होंने क्या यहाँ पे रोक रखा है, यहाँ बांध कच्चा बना दिया है रेत से और पीछे जो बस्ती है वो क्या घुटना तक डूब गई है, वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, उसकी निकासी कहीं नहीं है। तो जैसे यहाँ एक बार इसको खोले तो वहाँ से पानी निकासी हो, तो कम से कम वो बस्ती जो डूब रही है उनको सुरक्षित है। विरोध कर रहे हैं कि हमारे खातेदारी खेत है, इसमें से ये नाला जा रहा है। एक तरफ जहां विष्णु कॉलोनी के लोगों के घरों में घुस आए गंदे पानी ने इनके घरों पर अतिक्रमण कर कब्जा जमा दिया है, लेकिन इस कब्जे को हटाने के लिए नगर परिषद कुछ करती नजर नहीं आ रही और ना ही ग्राम पंचायत कुछ करने का मान सकती है। वहीं इस पानी की निकासी के रास्ते में खेतों के मालिक भी अपनी वाजिब मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बहरहाल इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा।